पंडित धीरेंद्र शास्त्री पटना आने से पहले तेज प्रताप यादव ने पंडित धीरेंद्र शास्त्री को चैलेंज दे रहा था कि पटना एयरपोर्ट पर हम घेराव करेंगे और उनको आने नहीं देंगे, लेकिन बाबा की कृपा देखिए कि वह किस तरह आए और किस तरह भूचाल मचा दिए। इतना वो किसी भी राज्य और किसी भी सिटी में गए होंगे तो इतना प्रचलित नहीं हुए होंगे जितना वह आकर बवाल मचा दिए। और कल गुंजन सिंह आए थे पंडित धीरेंद्र शास्त्री को बागेश्वर धाम, जो पटना में आए हुए हैं, नौबतपुर में वहां आए थे, और उन्होंने कहा कि गुंजन सिंह ने कहे थे कि आज तक प्रभु श्री राम और हनुमान को आज तक कोई नहीं रोक पाया है और आज कोई कैसे रोक देगा। मैं कल शूटिंग कर रहा था कुछ गाना का, तो मुझे यहां आना था, हर समय दिमाग में यही चलता था और मैं सो नहीं पाया था, लेकिन आज मैं आया हूं तो यहां गाना गाकर जाऊंगा। और वहां गाए और इस तरह से उनको विवाद को इस तरह से समझाए जो ऐसा झटका लगा जो कभी सोचा भी नहीं होगा कि कोई सेलिब्रिटी आकर किस तरह बिहार के मुख्यमंत्री जो खुला चैलेंज पंडित धीरेंद्र शास्त्री को दे रहे थे कि हम बिहार नहीं आने देंगे, इसके लिए उन्होंने ऐसा चैलेंज दे दिया जो सारे लोग चौंक उठे और सारे लोग झूम उठ रहे हैं कि गुंजन सिंह जो शो में आए थे बागेश्वर धाम भी मुस्कुरा रहे थे और वहाँ आने के लिए पंडित धीरेंद्र शास्त्री जो सबको खुला चैलेंज देते हैं बिहार में आने से पहले उनको लोग खुला चैलेंज दे रहे थे कि हम नहीं आने देंगे, एयरपोर्ट पर घेराव करेंगे। देखिए मनोज तिवारी खुद सारथी बनकर आए अर्जुन का रूप लेकर और कृष्ण जो बागेश्वर धाम सरकार है पंडित धीरेंद्र शास्त्री वह बैठ कर आए थे और सारे नेता अभिनेता वहां जा रहे हैं सिवाय तेज प्रताप यादव को छोड़कर, क्योंकि वह लोग सभी जानते हैं कि इनकी जरूरत है और बाबा को देखने के लोग इतने मात्रा में जा रहे हैं जो बाबा ने खुद हाथ जोड़कर निवेदन किया है कि वह टीवी पर ही देख ले, यहाँ नहीं आए, क्योंकि यहाँ इतनी ज्यादा भीड़ है कि वह कितना पर्चा देख सकेंगे। और इतनी भीड़ है जो कह रहे ट्रेन में भी बैठे हैं वह वापस हो जाए, टीवी पर ही देख ले। बिहार में बाबा को आते इतना भूचाल आ गया जो कभी भी कोई नेता अभिनेता सेलिब्रिटी फिल्म स्टार को देखने के लिए इतने लोग नहीं आए होंगे। सोशल मीडिया पर पूरी तरह से तबाही मच चुका है, सारे तरफ बागेश्वर धाम सरकार लग रहा है और देख रहे होंगे कि चार अगर आप रील्स भी देखते होइएगा तो बागेश्वर धाम सरकार की इतनी रील्स बन चुकी है जितना अभी तो कोई भी रिकॉर्ड नहीं बना होगा, किसी भी नेता अभिनेता का नहीं बना होगा। लेकिन तेज प्रताप यादव ऐसी बेवकूफी कर रहे थे, उनको रोकने की बात कर रहे थे, लेकिन आज बाबा की कृपा देखिए कि किस तरह से बरस पड़े, पूरा बिहार झूम उठा और गुंजन सिंह उनके यहाँ बागेश्वर धाम पटना में नौबतपुर में आए हुए हैं, वहाँ पर जाके किस तरह से वह गा रहे हैं और झूम उठ रहे हैं। और बागेश्वर धाम सरकार ने एक ऐसी गाना गाया है जो सीवीएस मिश्रा का गाना है, डीएम होइए और पीएम होइए। इस पर बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने पहली बार ऐसा गाना को विरोध नहीं बल्कि सपोर्ट करके एक अलग अंदाज में प्रभु श्री राम और हनुमान जी का नाम लेकर ऐसा गाना गाया है जो सारे तरफ ट्रेंड हो रहा है और इस गाना भी यह काफी ट्रेंड हो जाएगा क्योंकि यह गाना फुल्ली सटीक बनाए हैं सीवीएस मिश्रा जी, इनके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद है क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेंद्र शास्त्री इनके ऊपर गाना गाए और इनका विरोध नहीं बल्कि इनकी तारीफ की बात होगी क्योंकि इनका गाना के ऊपर ही वह गाना बना रहे हैं। और प्रभु श्री राम की कृपा देखिए कि बागेश्वर धाम सरकार सीवीएस मिश्रा के गाना पर वह प्रभु डीएम होइए सीएम होइए यह गाना गा रहे हैं। पंडित धीरेंद्र शास्त्री के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए क्योंकि यहाँ पर हम हर तरह की अपडेट देंगे।